अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, दो दिन पहले मैंने अबकरी मैगज़ीन की वीडियो बनाई थी, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे कमेंट आए थे। तो उसमें से एक भाई थे, वो पूछ रहे थे एक बात, तो आज मैं आप लोगों के लिए, उनके लिए स्पेशली, उनके मसले के हल के लिए एक चीज़ लेके आई हूँ। और आप सबको भी बता रही हूँ कि ये मैगज़ीन जो है ना, कितने फ़ायदे वाला है। आप सबको सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये का है, अपने अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए और इसको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। तो आपको भी आपके किसी ना किसी मसले का हल इसमें से ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़, ये देखें, लिखा हुआ है ला इलाज बीमारियों के शिकार प्याज से दोस्ती कर लें। तो ये प्याज जो है ना, वो मैंने खुद आजमाया हुआ है कि मेरे पाँव के जो तलवे हैं ना, इतना दर्द होता था कि मैं दर्द से हर टाइम पाँव के जो तलवे हैं वो रेड रहते थे और जलन हर टाइम बहुत ज़्यादा। तो मैंने 3 दिन प्याज का पानी निकाल के तो अपने पाँव के तलवों में मालिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आराम आ गया था। तो ये गाइस देखें, इतनी सारी, ये यरकान का खात्मा, बवासीर के मस्से और कह के मर्ज से परेशान नुस्खा आजमाएं, दांतों के मराज। अब दांतों की भाई ने बात पूछी थी, तो प्याज दांतों के लिए कितना मुफीद है देखें। अगर किसी के मसूरों में सोज और दर्द हो तो इसे चाहिए कि प्याज काट कर थोड़ा सा नमक लगा कर खाए, इससे फाका होगा। अगर किसी के दांतों में कीड़ा लग जाए तो प्याज खाते रहने से नुकसानदार जरासीम को ख़त्म करके ये दांतों को कीड़ा लगने के अमल को रोक देता है। आगे बलगमी, खांसी और जुकाम के लिए और टीबी के मर्ज में प्याज का कमाल और गर्मी के अमराज में अक्सीर। तो देखें कितना सारा, और इनका यकीन करें, मैंने तजर्बा किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैंने स्पेशली जिन भाई ने बोला था कि उनको दांतों का मर्ज है, ये मैंने उनके लिए बनाया है, उनके लिए वीडियो बनाई है कि देखें इसमें हर चीज़, आपको कोई भी मसला है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, हर चीज़ का इसमें होता है। हर महीने ये नावल जो है वो शाया होता है और हर इसके अंदर आपके मसले का हल मौजूद होता है। तो मैं तो ज़रूर लेती हूँ और इसको पूरा स्टडी भी करती हूँ, और जो मेरे फ़ायदे की चीज़ हो उसको मैं इस्तेमाल भी करती हूँ। तो आप लोग भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, मेरा तो यही आपको मशवरा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर किया करें। देखें, शेयर करने से अगर आपकी वजह से किसी का कोई मसला हल हो जाता है, तो समझे कि आप भी इस काम में उतने ही शरीक और नेकी के हकदार हैं जितना मैं हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।